इतनी नफरत करती हैं आप मुझसे कि ये घर ही छोड़कर चली गई? मैं तो समझता था कि आपको मेरा बहुत ख्याल है। आपको ख्याल नहीं आया कि मैंने खाना खाया या नहीं? आपने यहां तक नहीं सोचा कि जब मैं वापस आऊंगा थका हूंगा, मुझे कॉफी कौन बना के देगा, मैं बातें किससे करूंगा? ये सब मेरे करने के काम नहीं है शहराम, इसीलिए कह रही थी अपना घर बसाओ, लेके आओ कोई ऐसी जो तुम्हारा ख्याल रखे। नहीं रखवाना मुझे किसी से भी ख्याल, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया मुझ पर एहसान किया है, इसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। कोई एहसान नहीं किया, एक ख्वाहिश का इजहार किया था ना मैंने, जबरदस्ती तो नहीं की थी, आपको कभी कोई तकलीफ तो नहीं दी थी? मैंने कब कहा है तुमने मुझे तकलीफ दी है, बल्कि तुमने बहुत ख्याल किया है मेरा। तुम्हारा ये एहसान तो मैं कभी भी भुला नहीं सकूंगी, तुमने मुझे ऐसे वक्त पे सहारा दिया है जब मैं सारी जिंदगी का सहारा बनना चाहता था। आपने कबूल नहीं किया, बहरहाल आप यहां से कहीं नहीं जाएंगी। जाना तो है मुझे शहरा, ये बात मान क्यों नहीं लेते हो कि जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो सकता? मान गया हूं मैं कि जो मैं चाहता हूं वो नहीं हो सकता, बल्कि जब भी मैंने कुछ चाहा वो नहीं हुआ। एक दरखास्त करूं आपसे, मानेंगी? पता नहीं क्या कहने वाले हो तुम। शादी के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन आप यहां रह तो सकती है ना, आप फिक्र ना करें, मैं यहां से चला जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम, मैं यहां रहूंगी और तुम अपने घर से चले जाओगे? मैं ये घर छोड़कर दूसरे घर नहीं जा रहा, मैं यूके जा रहा हूं, और मालूम नहीं कब वापस लौटूं। पहले मैंने सोचा था कि ना जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि यहां रखे क्या करूंगा, बेहतर यही कि मैं चला जाऊं। देखो अगर तुम मेरी वजह से जा रहे हो तो मैं किसी की वजह से नहीं, सिर्फ अपनी वजह से जा रहा हूं। यहां रहकर मैं क्या करूंगा, मेरा यहां है कौन? पहले लगा था कि आप हैं, लेकिन आप मेरी नहीं है। ज़ायरा, आपको मेरी बात बुरी लगी थी, मुझे माफ कर दीजिएगा। सईदा खाला के पास जाके उन्हें अपने साथ रहने पर तैयार कर लें। मैं आपको अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता। यार लफड़े, यार मेरे साथ मजार पे चल, मेरे लिए दुआ मांग यार। अल्लाह मैंने तेरी बात सुन ली थी ना, मेरी तो नहीं सुनी यार, मैंने बड़ी दुआएं मांगी हैं यार, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। ओ यार कमाल करने, वो गाजी साहब की तरफ मैं गया था, उनकी सुनी है, हमारी कौन सुनता है यार। यार लेकिन गाजी साहब ने तेरी बात तो सुन ली ना, मेरी तो नहीं सुनी यार। देख यार भाई ने यार, ओ लफड़े वो ले जा ना यार, ले जा। आया ला जा। अच्छा भाई ले चलता हूँ तुझको, लेकिन एक शर्त है। बता ना, बता। मेरा मतलब है कि काफी दिनों से हम अपने पैसों की वाटका पी रहे हैं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। वो मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैं ये साथ लेके आया था, मैंने सोचा था कि जब तू वादा करेगा तो फिर तुझे दूंगा। ए, मेरी जान के टुकड़े, यही तो वजह, आई लव यू। Thank you.
बोलो भाई हूँ, मेरा गाँव था, तूने लिया कैसे? हाँ, जो फकीर या गरीब कंगले आते हैं वो मेरे लिए छोड़ देती है और अच्छे पैसे वाले गाँव खुद ले लेती है। बड़ी तेज हो गई है तू। अरे तेरे बाप का गाँव था, मुझे पसंद किया था उसने, तू बातों में लगा के ले गई उसको। अरे तेरे पास भी तो गाहक था, वो क्या किया तूने? अरे लात मार के भगा दिया, ऐसे गाहक नहीं चाहिए मुझे। तू बड़ी तेज बनती है, तू सौ सौ के नोट वाले गाहक अपने पास रखती है, सारे कंगले मेरे लिए होते हैं, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे ये क्या हो रहा है, क्यों शोर मचा रही हो तुम लोग? ये अपने आप को बहुत बड़ी तवायफ समझती है। हाँ, और तू तो तवायफ भी नहीं है, हम हैं तवायफ। अरे वाह, बड़े फखर से कह रही है कि तवायफ है, शर्म भी नहीं आती तुझे? मुझे शर्म नहीं आती, तुझे आती है शर्म? चल। अरे ओ, ये ताली किसको दे रही है तू? अरे क्या कुत्ते बिल्लियों के तरह लड़ रहे हो कंबख्तो? देखना अम्मा, हमारे कोठे पर बैठकर हमी को ताले दे रही है। अरे चल, फ्री में नहीं रहती हूँ, कमीशन देती हूँ तुम्हारी अम्मा को। हाँ, और हमारे पक्के गाँव भी तोड़ लेती है। अरे चुप कर जा, बस बहुत हो गया तमाशा, और तू भी चुप कर जा शरीफ जादी। अरे थूकते हो मैं तुम लोगों के घर पे? बड़ी आई बेवकूफ, तो तुम लोगों ने मुझे बना रखा है, शाम को या काम भी करो और इनकी मारे भी खाओ। चल निकल यहाँ से। अच्छा कमीशन दे उसका आपका, उसका कमीशन निकल। अरे छोड़ दे, जा तू जा यहाँ से। नहीं, आज मैं से नहीं जा रही। चल 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 वो तो बच्चियां है, तू तो समझदार है ना? नहीं मौसी, नहीं, अब बात खत्म होने वाली नहीं है। उसने मौसी तुम बताओ, जब गाहक आता है तो सबके सामने आता है ना, सबके सामने पसंद करता है ना, तो अगर मुझे पसंद करता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे अगर ऐसे मर्दों को साटना जानती होती ना, तो मेरे बंगले होते, गाड़ियां होती। सुनो, यही तो मुझे नहीं आता, मजबूरी में कर रही हूँ ये सब कुछ मैं अपने बहन भाइयों की वजह से। अगर मेरे बहन भाई ना होते ना, तो मैंने कुएं में कूद के जान दे दी होती। ये जो मैंने अपनी इज्जत को लात मारी हुई है ना, ये सिर्फ अपने बहन भाइयों का पेट पालने की वजह से। और मैं कौन सा उनके घर में मुफ्त में रहती थी, पूरा पूरा महीने का कमीशन देती थी और घर के काम काल अलग करवाती है मुझसे। मौसी ट्रे लगा लगा के सबको खाना देती थी, और वो चंपा मनहूस वो सारा दिन पड़ी सोती रहती है। अब तुम ही बताओ, मैं चीट कर रही हूँ ना, या वो लोग मुझे चीट कर रहे हैं? अच्छा छोड़ बेटा, बस कर, एक घर में बर्तन होते हैं ना चार, तो वो खड़कते जरूर हैं, और हर जगह ये छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। छोटी बात? ये छोटी बात नहीं है मौसी, चंपा ने मेरे बाल पकड़ के मारा है मुझे। छोड़ दे, दफा कर, फिकर ना कर तू, मैं बात कर लूंगी चंपा से। अम्मा, तू तो चंपा को जानती है, चंपा की जबान तो उसके कंधे पे पड़ी रहती है, छोड़ो उसको। वहां तो नहीं जाऊंगी मैं मौसी, मैं तो तुम्हारे पास आई थी कि तुम मुझे यहाँ रख लो, जो कमीशन वहां देती थी वो तुम्हें दूंगी, जो काम वहां करती थी वो मैं यहाँ करूंगी, और अगर नहीं ना तो मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी, जान दे दूंगी मैं अपनी। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? तू क्यों देगी अपनी जान? हाँ, अरे और तू क्या समझ रही है, हम तुझे यहाँ नौकरानी बना के रखेंगे? वैसे भी इस घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ, तो मैं ही क्या करूंगी, बस तुझे वहां नहीं जाना ना। ठीक है, बस तय है, मौसी हेमा अब हमारे साथ रहेगी। ठीक है चंदा, बात काम की नहीं है, काम तो आदमी जहां रहता है वहां करता ही है, लेकिन बात है एहसान की, दूसरा एहसान तो माने ना मौसी, एहसान का बदला मुआवजा नहीं होता, एहसान होता है। बस है माँ, अब खत्म कर दे। नहीं जीनत, मैं जानती हूँ हीरा मौसी यहाँ पे आएगी और हुस्ना मौसी के हाथ पांव जोड़ेगी या मेरे यहाँ रहने पर इनसे झगड़ा करेगी। क्यों, जोर चलता है उसका मुझ पर क्या? बस बात खत्म हो गई, तूने उसके पास नहीं जाना, ना जा, तूने यही रहना, रह ले बेशक, बात खत्म। चला मेरे कमरे में आ जा। चल
आप तो शायद सब भूल गए। आज आपकी बर्थडे है। मैं ये केक और गिफ्ट लाया था। आज मेरी बर्थडे है, मुझे विश नहीं करोगे? कैंडल्स हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। Thank you. वो एक दफा आपको साड़ी में देखा था, मैं आपके लिए साड़ी लाया। थैंक यू। हमारा गुड्डू बड़ा होगा फिर हमारे काम क्या करेगा, है ना? हाँ। नहीं मौसी, ये हमारे काम नहीं क्या करेगा। गुड्डू स्कूल जाएगा। गुड्डू स्कूल जाएगा फिर हमारे साथ गिटमिट 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 करेगा। अम्मा गिटमिट गिटमिट नहीं करेगा, अंग्रेजी बोलेगा। अंग्रेजी अंग्रेजी बोलेगा, अंग्रेजी बोलेगा, अंग्रेजी बोलेगा। चंदा जा जा के इसके कपड़े निकाल दे फिर मैं नहला दूं। हमारा गुड्डू बड़ा हो जाएगा, बड़ा इतना बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आप कुछ और टेबल ले देना। सलाम साहब। सलाम अलैकुम। देख ले उस ना आ गया तेरे इलाके में दोबारा से।
ये बच्चा किसका है? चंदा का है। चंदा चंदा का, चलो अच्छा हो गया फारिग हो गई वो। हुस्ना तुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे चंदा चाहिए। पर साहब वो तो बहुत बीमार है, टीके लग रहे हैं उसे। मौसी ये कैसा रहेगा, ये ले लेना। कहां जा रही है मेरी जान, तेरे लिए तो वापस आया हूं मैं। छोड़ मेरा हाथ। कैसे छोड़ दूं तेरा हाथ।